हाय, मैं हूं श्वेता और आज है अष्टमी, नवरात्रि का 8th डे। और आज का कलर है पीकॉक ग्रीन। तो वो कौन सा कलर है मुझे पता नहीं। पीकॉक ग्रीन, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं थी तो ये मैंने बॉटल ग्रीन पहना है। ये मैं आपको पहले ग्रीन डे वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो ये पीकॉक ग्रीन तो नहीं है, लेकिन इसको पहन के मैं मोरनी जरूर लग रही हूँ। तो चली मैं नीचे, चली रे मोरनी बन के, मोरनी बन के। तो मैं जा रही हूँ थोड़ा अपनी शक्ल को ठीक ठाक करने। और एज ये बहुत ज़्यादा चकमक था इस ड्रेस के अंदर, तो मैंने इसको थोड़ा दुपट्टे से कवर कर दिया है। और ये बहुत ही मैंने सिंपल वे में दुपट्टा रखा है, बट इट इज़ ऑल्सो अ डिफरेंट स्टाइल। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ट्राई। मैंने दुपट्टे के दोनों कॉर्नर को पीछे से एक और एक आगे से यहाँ फिक्स किया है, और बाकी पूरा दुपट्टा मैंने ऐसे ही नीचे छोड़ दिया है। यहाँ पे थोड़ा फिक्स किया है। मैं नीचे जब डांस करूँगी तो आप लोग देख पाएंगे कि मैंने कैसे ड्रैप किया है दुपट्टा। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस स्टाइल। और एज ये बहुत चकमक मेरा ड्रेस था, पूरा गोल्डन वर्क है, तो इसके लिए मैंने ज्वेलरी एकदम ही बेसिक और सिंपल पहनी है, ताकि ज़्यादा ही मैं उधर जगमगाऊँ नहीं। तो ये दोनों ब्यूटी क्वीन को बहुत जल्दी है नीचे जाने की, तो ये लोग रेडी होके जा रहे हैं, बट मेरा अभी फिनिशिंग टच बाकी है। और जब मुझे लेट होता है तो कोई ना कोई इमरजेंसी सिचुएशन ज़रूर आती है। आज देवेश स्कूल में बास्केटबॉल खेल के उसके पैर में मोच आ गई है, तो अभी उसको याद आया है क्रेप पैंडेंट बंधाने बनवाने का, तो अभी मुझे ये भी बांधना है। तो आज मैं लगता है बहुत ज़्यादा लेट होने वाली हूँ। सो फाइनली आई एम डन विथ माई मेकअप ऑल्सो। अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है, वो है मेरे बाल, जो मेरे रोज़ की प्रॉब्लम होती है। तो आज के मेरे टिप्स भी मैं दे देती हूँ आपको। पहला टिप तो ये है कि अच्छे से तैयार होने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, मेकअप करने के लिए आपको कोई एक्ट्रेस या सेलिब्रिटी होना ज़रूरी नहीं है। आप ऐसे मौक़ों पे दिल खोल के तैयार होइए और एन्जॉय योर वुमेनहुड। क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं करते और एकदम सिंपल वे में रहते हो, मैंने देखा नीचे लोग जीन्स में भी आ जा रहे हैं एकदम नॉर्मल पॉनी बना के, दे आर नॉट इवन पुटिंग अ बिंदी इवन। तो फिर मुझे लगता है कि हमारा वुमेनहुड इज़ अ वेस्ट। दूसरा टिप ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, उनके पास तैयार होने का टाइम नहीं रहता, तो वो थोड़ी तैयारी पहले से कर लें, जैसे मैंने आज करके रखी थी। आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी डे था मेरा, तो मुझे पता था, तो कल मैंने संडे को ही अपना ड्रेस चूज़ करके रख दिया था और ज्वेलरी भी निकाल ली थी, चूड़ियों का भी सेट करके रख दिया था। तो आज मुझे सिर्फ पहनने का काम करना था। तो आप भी अगर वर्किंग हैं और या फिर आपके बच्चे छोटे हैं, या कोई भी रीज़न की वजह से अगर आपको टाइम नहीं मिलता है इतना सब कुछ अरेंज करने का और तैयार होने का, तो जब भी आपके पास फ्री टाइम हो रात को सोने से पहले, या जब भी आप निकाल के रख दें। घर थोड़ा सा ज़रूर मैसी हो जाता है, नो डाउट अबाउट इट, बट ठीक है। डांडिया या कोई भी ओकेज़न साल में एक ही बार आता है, और वैसे भी हमें दिवाली की सफाई करनी ही है, तो सब कुछ निकालना ही है, तो आराम से निकाल के सब सेट करके रख दो। और एक लास्ट में छोटी सी टिप और है कि अगर आपका ब्लाउज़ का पीछे का जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप गला है, या फिर कभी कभी टेलर छोटा कर देते हैं, जैसे मेरे इस ब्लाउज़ का जो ये पार्ट है ये बहुत कम है, तो इन दैट केस प्लीज़ पुट टू सेफ्टी पिन्स ओवर हियर एंड अटैच योर ब्रा विद द ब्लाउज़। क्योंकि वो डांस करते टाइम या कभी भी आपका ब्रा इधर उधर से ब्लाउज़ के बाहर आता है, तो दैट लुक्स वेरी वियर्ड, और वो पूरा ख़राब कर देता है आपकी पर्सनैलिटी और लुक को। तो आज के टिप्स यहाँ मैं ख़त्म करती हूँ, नहीं तो नीचे डांडिया ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको लगा के बता देती हूँ कि कैसे लगाना है। आप वेरी इजीली अपने खुद के हाथों से दो सेफ्टी पिन पीछे ज़रूर लगा लें, इफ़ यू आर वेयरिंग अ ब्लाउज विच इज़ लूज और वेरी डीप नेक। और फाइनली अब मैं जा रही हूँ नीचे। मेरे बालों का एक ही सहारा था, वो रबर बैंड, बहुत अच्छे से इसको कवर करके पूरा
बना देता था, अच्छा लुक दे देता था, बट वो भी आज मिसप्लेस हो गया और नहीं मिल रहा है। तो फाइनली मुझे जो भी मिला मैं वो पहनने जा रही हूँ, नॉर्मल रबड़ लगा के। और मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा बेकार दिख रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा एक गोल्डन एक्सेसरी लगाया है, एक हेयर डांडिया भी ख़त्म हो चुका है। और आज मेरी एक भी दोस्त नीचे नहीं थी,
तो मैंने सबको बहुत मिस किया। आज रुचि भी नहीं आई थी, जया भी नहीं आई थी, बट फिर भी जितना हो सकता था मैंने किया, क्योंकि मैं डांस का चांस मिस नहीं करना चाहती थी। और 12:30 बज चुका है और मैं अपने बच्चों की छुट्टी करा रही हूँ कल, तो इसलिए मैं बहुत रिलैक्स हूँ। वो दोनों भी नीचे मज़े कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट डे दशहरा की छुट्टी है वैसे भी, तो कल का एक दिन बचा है। कल है पिंक कलर, और पिंक कलर का मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो अभी कल के लिए मेरा एक टास्क है चनिया चोली सेलेक्ट करना, और कल भी मेरे क्लासेस हैं, तो देखते हैं कल क्या होता है। बाय, गुड नाइट।